रेडमी नोट 4 के लिए एंड्रॉयड 12L का एक न्यू बिल्ड आया हुआ है और इसका जो है ये फर्स्ट बिल्ड है इटर्निटी का 1.4। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके अंदर हमें कौन कौन से फीचर्स एंड बग्स मिल जाता है। फर्स्ट बिल्ड है तो हालांकि इसके अंदर आपको उतना कस्टमाइजेशन का ऑप्शन तो काफ़ी देखने को मिलता है बट उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन बग्स कौन कौन से हैं एंड फीचर परफॉर्मेंस सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और इंस्टॉलेशन भी रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं हमें क्या कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। तो जैसा कि एंड्रॉयड 12L के साथ आता है ये रोम, इटर्निटी वर्जन 1.4 हमें मिल जाता है इसके अंदर। मेंटेनर नेम भी यहाँ पे मिल जाता है साहिल का एंड सिक्योरिटी पैच आपको यहाँ पे जुलाई 2022 का देखने को मिलता है। वहीं कर्नल की बात करें तो 4.9 बे जो है फ्यूजन का कर्नल देखने के इसके अंदर हमें यहाँ पे मिल जाता है। वैसे इसके नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, यानी कि जो इसका हॉटस्पॉट है ये आपको काम करता हुआ मिल जाता है, यहाँ पर प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आप इसका यूज़ आराम से यहाँ पर कर पाएंगे। और फिर अगर हम यहाँ पे चलते हैं बाहर में तो जो कनेक्टेड डिवाइस यहाँ पे दिए गए हैं तो इसका जो कास्ट है ये आपको वर्किंग मिल जाता है, कास्ट यहाँ पे काम कर रहा है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं मिलती है। बाकी इटर्निटी स्टोर आपको मिलता है इसके अंदर, स्टेटस बार में सिर्फ 4G आइकन के लिए दिया गया, उसे वोल्टी आइकन इसके अंदर नहीं मिलता। क्विक यहाँ पे मिल जाता है ट्रांसपेरेंसी के लिए, क्विक सेटिंग्स में बटन के अंदर आपको वॉल्यूम का दिया गया बट ये खाली है पूरी तरीके से, तो यहाँ पे भी एक खाली रहने वाला। नेविगेशन बार वाला सेक्शन पूरा आपका खाली मिल जाएगा। जेस्चर में जाओगे तो यहाँ पे आपको टैप टू स्लीप मिल जाता है स्टेटस बार के लिए, और फिर यहीं पर जो है आपका ये जो है जेस्चर है हो गया। बाकी लॉक्सिन में जाते हैं तो अम्बिन बैक जेस्चर मिल जाता है, और फिर अगर हम चले पावर मेन्यू में तो एडवांस रिस्टार्ट, बट ये एडवांस रिस्टार्ट काम नहीं कर रहा है, और रिसेंट ऐप बिल्कुल खाली मिलता है, नोटिफिकेशन का ऑप्शन खाली मिल जाएगा, और यहाँ पे मिसलिनस है जिसमें गेम स्पेस दिया गया और ये भी जो है क्रश कर रहा है, ये भी एक दिक्कत यहाँ पे मिल रही थी। ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स और आपको ये सारी चीज़ें मिलती है अभी इसके फर्स्ट बिल्ड के अंदर में। ऐप ड्रॉअर पे जो है वहाँ से भी काम नहीं करता, ये एक दिक्कत है। बाकी ऐप्स के अंदर चलते हैं तो ऐसे इसके अंदर जो लॉन्चर हमें मिलता है पिक्सल लॉन्चर है, तो यहाँ पर नॉर्मल ही सेटिंग्स मिलती है सारी चीज़ें, और गेम स्पेस यहाँ पर भी एक दिया गया है, गेम डैशबोर्ड है ये आपका, ये मिल जाता है। बाकी फिर यहाँ पे असिस्टेंट दिया गया है तो ओके गूगल वैसे इसके अंदर आपका ये वर्किंग मिल जाता है तो इसका यूज़ आप कर पाओगे। और फिर अगर हम नोटिफिकेशन में चले तो पूरी नोटिफिकेशन की सेटिंग सेम बाकियों की तरह यहाँ पे भी आपको मिल जाता है जैसे कि बाकी रोम्स में हम देखते हैं। और बैटरी के अंदर में यहाँ पर बैटरी यूजेस है बट इसका बैटरी यूजेस जो है काफ़ी लेट ऐड होता है, इसलिए जब स्क्रीनशॉट लिया था उस टाइम पे और बाकी टाइम ऐड नहीं हुआ था, अभी आप देखोगे तो दिखा रहा है बट उस टाइम ऐड नहीं हुआ था। बैटरी सेवर मिल जाएगा, एक्सट्रीम बैटरी सेवर भी है, एडिप्टिव प्रेफरेंसेस भी है, टर्न ऑन द लाइट व्हेन चार्जिंग भी है, और बैटरी परसेंटेज भी आप यहीं से ऑन ऑफ कर पाओगे। बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 86% बैटरी मिली और बैटरी थोड़ी बहुत ड्रेनिंग भी मिल रही है इसके अंदर, बाकी लेट तो ऐड हो ही रहा है। एंड फिर यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में चलते हैं तो यहाँ पे फ़ोन रिंगटोन आपको लेटेस्ट स्टाइल्स में मिल जाता है, मल्टीपल सिम पे रिंगटोन लगा पाओगे, एडिप्टिव साउंड मिल जाता है जिससे फ़ोन के स्पीकर की साउंड क्वालिटी इंप्रूव होती है थोड़े बहुत। बाकी फिर मीडिया मिल जाता है और मीडिया का भी लेआउट एक बार आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। वैसे तो एंड्रॉइड 12 वाला है, 12L वाला है, तो ये आपको ओल्ड स्टाइल में ही देखने को मिलेगा जैसे कि बाकी में हम देखते हैं एंड्रॉइड 12L में। अब 13 में थोड़ा चेंज हुआ है बट यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ही मिलेगा जैसे कि ओल्ड स्टाइल में पहले में मिलता था, 12 या 12L में देखते हैं उसी तरीके से रहेगा। वाइब्रेट फॉर कॉल मिल जाता है और नीचे फिर आपको बाकी साउंड से रिलेटेड सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, यहाँ पे टच साउंड हो गया एंड यहाँ पे आपका जो डायरेक्ट साउंड दिया गया है ये काम करता है, तो डायरेक्ट साउंड इसके अंदर वर्किंग हमें मिल जाता है तो आप इसका यूज़ कर पाओगे आराम से, इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। ऑडियो एम्पलीफिकेशन भी काम कर जाता है और नीचे फिर आपको वाइब्रेशन इंटेंसिटी मिल जाता है जो कि ऑन यहाँ पे फिलहाल ये नहीं होता है, तो ये एक यहाँ पे दिक्कत इसकी भी रहने वाली अभी के लिए फिलहाल। तो फिर यहाँ पे अगर हम चलते हैं डिस्प्ले की तरफ तो डिस्प्ले के अंदर हमारा लॉक स्क्रीन है जिसमें आपका यहाँ पे डबल लाइन क्लॉक मिल जाएगा, लॉक स्क्रीन क्लॉक को छोटी या बड़ी करने के लिए। अम्बिन डिस्प्ले का भी ऑप्शन है जिसमें पिकअप, हैंड वैप, पॉकेट ये सब आपको मिलता है। स्क्रीन टाइम आउट आपको मिल जाएगा, इसके अंदर हमारा जो डार्क थीम है वो काम कर रहा है, और फिर नाइट लाइट काम कर रहा है, रोटेशन भी वर्किंग मिल जाता है, और इसके अंदर में जो आपका स्क्रीन सेवर मिल जाता है ये काम कर रहा है, टैप टू वैक भी काम कर रहा है, और टॉर्च जिसमें कंट्रोल कर पाओगे येलो और वाइट टॉर्च को। एंड वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आपको जो वॉलपेपर बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मिलता है जो अप्लाई है यही देखने को मिलेगा, बाकी कलर बेसिक एंड वॉलपेपर कलर मिल जाता है, और थीम आइकन ये भी काम कर रहा है तो इनमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। और एसेबिलिटी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसके अंदर एसेबिलिटी में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टीम आपको मिल जाएगा और बाकी की सेटिंग सेम बिल्कुल बाकियों की तरह है। सिक्योरिटी के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको दिखा दूँ ये जो है नॉट इनक्रिप्टेड रोम है, और यहाँ पे फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट हमें मिल जाता है इसके अंदर में। तो यहाँ पे जैसे कि मैं ऐड कर लेता हूँ फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक, तो फिंगरप्रिंट आप देखोगे कुछ इस तरीके से जो है ये काम कर रहा है,
तो रिस्पॉन्स उसे हमें अच्छा मिल जाता, बस रिपेल इफेक्ट ये सब ऑफ करने के लिए नहीं मिलता, जो फेस अनलॉक है कुछ इस तरीके से काम करने वाला है इसके अंदर में। तो ये सभी जो है हमारे कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं, वैसे सेटिंग्स आपको नॉर्मल ही मिलती है। और फिर अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है सेफ्टी इमरजेंसी हो गया, डिजिटल बेल्बिंग हो गया, और जैसे कि डिजिटल बेल्बिंग में भी देखोगे सिर्फ 26 मिनट ऐड हुए हैं, उससे पहले का जो है अभी 26 मिनट से ऐड होना स्टार्ट हुआ, उससे पहले का बिल्कुल भी ऐड नहीं हुआ था। स्टार्टिंग के जो टाइम है वो ऐड नहीं हुआ था इसके अंदर जो भी हम यूज़ किए थे। बाकी सिस्टम में चलते हैं तो यहाँ पर फिर लाइव ट्रांसलेट मिल जाता है जिसको डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, तभी ये काम करता है। बाकी जेस्चर के अंदर आपको 100 मोड मिल जाएगा, प्रेस एंड होल्ड पावर एंड असिस्टेंट है, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट दिया गया है, ये काम करता है अच्छे तरीके से। नीचे फिर रिंगिंग का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है, वैसे आप इसके अंदर नेविगेशन बार भी इनेबल कर पाओगे क्योंकि बटन का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप इनेबल कर पाओगे और ये अच्छे तरीके से काम भी कर जाता है। और जेस्चर में जाओगे तो सिस्टम नेविगेशन भी शो करने लग जाता है, तो यहाँ जो है आप अच्छे से इसका यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे हमें फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, जेस्चर आपका वैसे अच्छे से काम कर जाता है यहाँ पे, और ये नॉर्मल सी सेटिंग्स के साथ मिलता है, ज़्यादा सेटिंग्स नहीं है। और थ्री वे टन नेविगेशन भी आप यहाँ से यूज़ कर पाओगे, वैसे थ्री वे टन नेविगेशन शायद ही कोई यूज़ करेगा क्योंकि हार्डवेयर बटन तो हमें मिल ही जाती है, बट यहाँ पे आप साथ में यूज़ नहीं कर सकते जैसे कि आप यहाँ पे। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम इनेबल किए और आप देख सकते हो हार्डवेयर बटन को आप साथ में यूज़ नहीं कर सकते इन डिस्प्ले, अगर आप इनेबल किए हो इन डिस्प्ले नेविगेशन बार। बैक लाइट आपका हार्डवेयर बटन लाइट यानी कि काम कर रहा है, बाकी फिर शॉर्टकट्स आप यहाँ से लगा सकते हो, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे शॉर्टकट्स के लिए। नीचे फिर वही बैकअप रूल्स एंड मल्टीपल यूज़र ये सब आपको देखने को मिलेगा, और गूगल डिस्कवर भी अच्छे से उसे काम कर जाता है यहाँ पे। बाकी कंट्रोल सेंटर के अंदर यूआई लैग मिलता है, ऐसे भी हम ड्रैग कर रहे हैं तो भी हल्के फुल्के लैग ड्रैग करने पे ही मिल रहा है, और बाकी इस पे तो आपको टाइल पे थोड़े ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। और जैसे कि बताया इसके अंदर एडवांस रिस्टार्ट काम नहीं करता, देख सकते हो डायरेक्ट डिवाइस रिस्टार्ट हो जा रहा था, इसका एक प्रॉब्लम है इसके अंदर में, ये काम नहीं करता है इनेबल करने के बाद में भी। बाकी यहाँ पे अगर हम चलते हैं इसके बाकी के टाइल्स की तरफ, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइल्स भी आपको नहीं मिलते, नॉर्मल जो टाइल्स हैं नॉर्मली तो अभी काफ़ी कम ही देखने को मिलते हैं फिलहाल। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ चलते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक बार स्टार्ट करता हूं और आगे आपको दिखाता हूं किस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ यहां पे ये काम करने वाला था। स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे कि स्टार्ट हो गया, हालांकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद ज़्यादा कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिला है, जैसा पहले लैग था उसी तरीके से, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। बाकी वॉल्यूम पैनल आपको नॉर्मल मिलेगा, एक्सपैंड वाला नहीं रहने वाला इसके अंदर में। और अगर हम चलते हैं इसके ऐप ओपनिंग की तरफ, तो ऐप ओपनिंग भी यहाँ पे जो है आपकी थोड़े बहुत डिले मिलती है, थोड़े बहुत एनिमेशन लैग के साथ मिलता है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाता है इसके अंदर में। तो यूआई लैग है थोड़ी बहुत, रीसेंट पे भी आप इधर उधर स्क्रॉल का तो ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन है तो उन पर भी देखने को मिलेगा। बाकी सेलेक्ट ऑप्शन काम करता है, स्प्लिट स्क्रीन आप यूज़ कर पाओगे, स्प्लिट स्क्रीन पर अभी भी जो है एंड्रॉइड 12 वाले पे जैसे कि हल्के फुल्के फ्लिकर इश्यूज मिलते हैं हल्का सा, तो वो चीज़ है अभी भी इसके अंदर आपको मिल जाता है, इसमें भी यानी कि मिल जाता है। और फिर यहाँ पे हम बात करें कैमरे के बारे में, तो कैमरा आपको काफ़ी बिल्कुल जो नॉर्मल है वो डिफ़ॉल्ट में मिलेगा, जीकैम आप मैन्युअली इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो और काम करता है, बस स्लो मोशन को हम छोड़े तो वीडियो रिकॉर्डिंग ये सब आप आराम से कर पाओगे। और इसके अंदर जो FM दिया गया ये भी काम नहीं करता है, तो इसका भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और गेम स्पेस तो आपका क्रैश कर ही रहा है, बाकी जियो सावन काम कर जाता है। वहीं अगर हम गूगल फोटो की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें अनलिमिटेड स्टोरेज देखने को यहाँ पे मिल जाता, तो गूगल फोटो में आपको अनलिमिटेड स्टोरेज देखने को मिलेगा। बाकी प्ले स्टोर ये भी जो है आपको इसके अंदर सर्टिफाइड ही देखने को मिल जाता है, जो सेफ्टी नेट आपका है बिल्कुल पास मिलेगा इसके अंदर, तो बैंकिंग ऐप आप आराम से विदाउट रूट भी यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे रीसेंट वॉल पेपर्स भी आपको मिल जाते हैं, 5 वॉल पेपर्स, और विजेट्स भी सभी लेटेस्ट देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि ये रोम आपका GF Synchronic के साथ हमें देखने को मिल जाता है। और अब मैं यहाँ पे अब बात करता हूँ कॉलिंग के बारे में, तो कॉलिंग के अंदर हमारा जो है यहाँ पे वोल्टी काम करे, कैरियर वीडियो कॉल का बग रहेगा। ब्लूटूथ ऑडियो में क्या है कि मीडिया के अंदर तो काम करे लेकिन कॉलिंग के अंदर आपको बग मिल जाएगा, कॉलिंग के अंदर काम नहीं करता है, वैसे कॉल रिकॉर्डिंग आप कर पाओगे बस अलर्ट कर देगा, और प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी काम कर रहे हैं। टूटो स्कोर 101,249 हमें इसके अंदर देखने को मिला है। वहीं अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंस्टॉलेशन आपको समझा दूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ये रोम आपको डाउनलोड करके रख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, GF Synchronic के साथ आता है। उसके बाद आपको अपनी रिकवरी पे जाना है, तो सिंपली फ़ोन को सबसे पहले आपको ऑफ़ कर देना है, एंड फ़ोन ऑफ़ करने के बाद आपको क्या करना है कि वॉल्यूम अप एंड पावर डाउन को थोड़ी देर होल्ड करके रखना, जैसे ही फ़ोन का लोगो आएगा आपको छोड़ देना, आप अपनी रिकवरी पे बूट कर जाओगे। रिकवरी भी इसके अंदर जो है TWRP की जो अभी हमें मिलती है एक एंड्रॉइड 12 रोम सपोर्टेड, वही यूज़ कर लेना किसी और पे, तो इसको आप इंस्टॉल कर लेना सिंपली, डिस्क्रिप्शन पे ये रिकवरी भी आपको दे दूंगा, और आप किसी भी रिकवरी पे हो इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आपको वाइप पे जाना होगा, एंड एडवांस वाइप पे जाके डॉल्बी कैश सिस्टम विंडर डेटा इन 5 ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ से वाइप कर देना है। वाइप जब आप कर दो उसके बाद सिंपली अपने इंस्टॉल पे जा करके उस फोल्डर को अपने जो फाइल है यानी कि रोम है सेलेक्ट करके फ्लश कर देना सिंपली, एंड रोम जैसे ही आपका फ्लश हो जाए कंप्लीट हो जाए लेफ्ट साइड में वाइप कैच आपको देखने को मिलेगा,
तो आपको लेफ्ट साइड में वाइप कैच मिलेगा, तो उसको वाइप कैच को आपको क्लियर कर देना है। उसके बाद रिबूट सिस्टम पे क्लिक करके सिंपली आपको रिबूट कर लेना। तो बिल्कुल इजी इंस्टॉलेशन है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। वैसे आप चाहो तो यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स की जो लेटेस्ट रिकवरी है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, जो अभी हमें लेटेस्ट मिलती है, जो हम नोट 4 में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हो ऐसे। बट अगर आपको ये यूज़ करना होगा तो ये आप यूज़ कर सकते हो। अगर बूट लूप में ऐसा अगर फंसते हो तो आप इसे यूज़ कर लेना, अगर आप अपने फ़ोन में ऑलरेडी डाउनलोड करके इसको आप रख लेना। बाकी ये रहा आपका इंस्टॉलेशन इस तरीके से। एंड अब हम यहाँ पे गेम की बात करते हैं, तो गेम के अंदर जैसे कि हम चलते हैं इसके ग्राफिक की तरफ, तो स्मूथ पे हमें जो है यहाँ पे 90 FPS वाला ऑप्शन मिल जाता है, बैलेंस पे मीडियम तक ही हमें अनलॉक मिलता है। तो हम स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलेंगे क्योंकि 90 FPS हमारे किसी काम का नहीं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी गेमिंग को लेकर के, तो जो गेमिंग परफॉर्मेंस है आपको काफ़ी नॉर्मल सी गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है, और इसके UI के अंदर में भी अभी आपको काफ़ी लैग देखने को मिलता है। तभी उतनी अच्छी तो फिलहाल यहाँ पे रोम नहीं, अगर हम बोले फर्स्ट बिल्ड के अंदर, क्योंकि इसका ये फर्स्ट बिल्ड है और अभी जो है हमें यहाँ पे तय नहीं कर सकते। अभी फिलहाल इसको डेली लाइफ यूज़ करने के लिए मैं अभी फिलहाल तो रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अभी जो है स्टार्टिंग है इसका। हालांकि 12L है बट स्टार्टिंग है, फर्स्ट बिल्ड है इसका नोट 4 के लिए। और आप देख ही हो इसके अंदर कस्टमाइजेशन में क्या है, कुछ फीचर्स काम करे कुछ नहीं काम करे, और बिल्कुल है ही नहीं, काफ़ी जगह तो बिल्कुल एम्प्टी खाली आपको देखने को मिल रहा है अभी। तो अभी के लिए हो सके तो आप यहाँ पे वेट कर लो इसके नेक्स्ट अपडेट का। अभी इसलिए उतने ज़्यादा कुछ खास आपको इसके अंदर देखने को मिलता भी नहीं है अभी फर्स्ट बिल्ड के अंदर में। और थोड़ी बहुत बैटरी ड्रेनिंग जैसे कि बताया, वो चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस चीज़ के अंदर मिल जाती है। और मीडिया भी जो है आपका ब्लूटूथ पर काम करता है बट कॉलिंग के अंदर काम नहीं करता, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर फिलहाल अभी किसी को रिकमेंड फिलहाल फर्स्ट बिल्ड के लिए नहीं करता, आगे जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें इस वीडियो पर मिल जाता है। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।